सुनील जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और नौमांश के चतुर्थ भाव को समझाते समझाते बड़ी चतुरता के साथ इन्होंने पूरा ही नौमांश आपको समझा दिया है, यानी मेरे लिए छोड़ा कुछ नहीं है लेकिन मैं आपको कुछ बातें डेफिनेटली आपको बताना चाहता हूँ। ये तो खैर इनकी विद्वता है, इन्होंने जो भी बात बोली है इन्होंने एक बड़े कैप्सूल्ड वे में आप लोगों को काफ़ी डिटेल में नौमांश क्या देखा जाता है ये बताया है। मेरा आपसे दूसरा आग्रह है कि हम लोग ज्योतिष पढ़ते क्यों हैं। देखिए, हमारा ज्योतिष पढ़ने का जो रीज़न है वो न केवल किसी भी व्यक्ति को एक मार्ग दिखाना, हमें उसको जो है उसको जितने भी पिटफॉल्स हैं या उसके जीवन में आने वाली दुखद घटनाएं या सुखद घटनाएं हैं उनके बारे में भी हमें उस व्यक्ति को आगाह करना है, उसको बताना है और साथ में हमने उसकी रेमेडीज भी उनको समझानी है। क्योंकि जो ज्योतिष है वो ज्योतिष, जैसे पंडित जी ने एक बात बोली थी कि अगर डॉक्टर के पास आप जाएं और डॉक्टर आपसे बोले कि भाई आपको बुखार है और आपको दवाई ना दे, तो उसका मतलब है कि वो डॉक्टर के पास आपका जाना बिल्कुल व्यर्थ हुआ। तो वही आपका एक जो ज्योतिष पढ़ने का जो आपने एक बीड़ा उठाया है उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपने ज्योतिष पढ़ने का बीड़ा कब उठाया है। आपने मॉडर्निटी के टाइम पर उठाया है, आप कोई त्रेता युग के नहीं हैं, आप कलयुग के प्रारंभ के भी नहीं हैं, आप इस समय के हैं जो कि मॉडर्न वर्ल्ड है। इसका मतलब है कि आपको बड़ा खरा उतरना है और जो भी आप प्रेडिक्शन करेंगे वो प्रेडिक्शन जेनेरिक नहीं होने चाहिए। जेनेरिक का मतलब होता है कि आप इस तरह ये प्रेडिक्शन आप क्या बोलेंगे, इसे जेनेरिक और स्पेसिफिक में क्या फर्क है, मतलब एक जैसे स्थूल और सूक्ष्म में क्या फर्क है। अगर आप आज भी अगर किसी से कहें कि आपका वाहन योग बन रहा है तो इसकी क्या उस आदमी के लिए एक महत्ता है। हिंदुस्तान जैसे देश में आज ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास में वाहन है, लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई आपको ऑडी या बीमर खरीदने का योग बन रहा है, यानी आप BMW खरीदेंगे या ऑडी खरीदेंगे या कोई, अगर आप स्पेसिफिक बात करें, अगर आप ये कहें कि आपको अगर आप ये बताएं कि आपको स्पाउस से यानी कि पत्नी या पति से कितना किस लेवल का 0 से 10 के स्केल में सुख मिलेगा, किस तरह की परेशानियां मिलेंगी, वो आपकी इकोनॉमिक कंपेनियन होंगी या नहीं होंगी, यानी वो आर्थिक रूप से कामकाजी होंगी तो आपको आर्थिक मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसी को बोलते हैं ग्रेडेड एस्ट्रोलॉजी। ग्रेडेड का मतलब है कि आपने ग्रेड्स निकालने हैं। आपका सिर्फ ये कह देना कि भाई आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, क्या आप समझते हैं कि एक आपने अपनी ड्यूटी को पूरा किया है। आज व्यक्ति जो है जो भी आपके पास आता है वो ये जानना चाहता है कि वो ग्रुप बी सर्विसेज में जाएगा, Class 3 में जाएगा, गजटेड ऑफिसर होगा या Class 1 सर्विसेज में जाएगा, या वो किस तरह की वो सर्विसेज उसकी होंगी। कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर वो जाता है तो किस लेवल पे वो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि आपने ग्रेड्स भी निकाल के देने हैं। और आप देखिए कि जितने भी हमारे क्लासिकल्स हैं, हम सारी सारी ज्योतिष हमारी निकलती है बृहत पाराशर होरा शास्त्र से। बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अंदर भी जो ऋषि पाराशरी ने जिस बात को बोला है वो बोला है कि जो नवमांशा, इसमें है कि जातक फलम नवमांशे, यानी जो जातक का जो एक्चुअल में जो फल है वो नवमांश देगा। यानी जो पंडित जी ने एक बात टच की थी वो वहाँ पे थोड़ा उन्होंने, चूंकि वो इंट्रोडक्टरी था तो वो उन्होंने उसको ज्यादा विस्तार से नहीं बताया। इन्होंने एक बहुत वैसे खूबसूरत बात इन्होंने की और उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि नवमांशा आपका जो है वो नवम भाव का एक्सटेंशन है। यानी नवम भाव का मतलब है कि आपके धर्म के, लक के, फॉर्चून के भाव का एक्सटेंशन है और उससे आने वाले लाभ का विषय है। यानी उससे नवम भाव से जो लाभ है वो कौन सा है, 9th से लाभ का भाव कौन सा होगा, 7th हाउस। यानी आप न केवल इस बात में कि
अब आप जब आप कह रहे हैं कि नवम भाव से लाभ जो है सेवंथ है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक छोटा सा एरिया कवर कर रहा है, यानी सेवंथ हाउस का, स्पाउस का, स्पाउस से मिलने वाली हैप्पीनेस का और स्पाउस के कंपेनियनशिप का, आपके इक्वेशंस का स्पाउस के साथ, और उसी प्रकार से स्पाउस की लॉन्जिविटी और आपके विवाह की लॉन्जिविटी, ये तो। लेकिन क्या नवम भाव का लाभ इतना ही है? नवम भाव आपके फॉर्चून का भाव है, वो आपके लक का भाव है। वो चूंकि आपके लक का भाव है, तो उसका मतलब आपके जीवन में प्रदर्शित होने वाली हर घटना का वो भाव हो गया, उसका लाभ। यानी आपके जीवन में अगर आपको कुछ मिल रहा है, चाहे वो संतान प्राप्त हो रही है, या आपको वेल्थ मिल रही है, या आपको सुख मिल रहा है, चाहे वो आपके सिबलिंग से है, या वो सुख आपके पत्नी से है, या बच्चों से है, या आपके जॉब से है, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया, जब वो लक का भाव है, फॉर्चून का भाव है, तो इसका मतलब वो चूंकि धर्म का भाव है, तो इसका मतलब आपके पूर्व जन्म के किए हुए जो पूर्व पुण्य या संचित जो आपके कर्म हैं, जो कि डीवन चार्ट में यानी कि नेटल चार्ट से निकलते हैं, ये नवांश उसके प्रारब्ध को बताता है। प्रारब्ध का मतलब है कि उसके नेट रिजल्ट को बताना है, बताता है जो कि आपने भोगना है। अगर आपने भोगना नवांश है, और जो लोग ज्योतिष कर रहे हैं और सिर्फ एक चार्ट देखते हैं, तो उसका मतलब वो कहीं ना कहीं गलती खा रहे हैं, और वो कभी भी उस सूक्ष्मता पे नहीं जा सकते। इसीलिए जितनी भी हमारी क्लासिकल टेक्स्ट हैं, चाहे वो गुप्ता काल के रेनेसा ऑफ कल्चर एंड लिटरेचर के टाइम के हों, उनमें जैसे सारावली है, या मंत्रेश्वर की फल दीपिका है, घोरासार है, या चाहे 5th century AD का जातक पारिजात हो, वारामिहिर का लिखा हुआ, और उससे पहले महाभारत काल का बृहत पाराशर होरा शास्त्र है, सभी ने नवमांशा को एक फ्रूट्स का चार्ट बताया है। फ्रूट्स का मतलब ये हो गया कि वो फलित का चार्ट है। एक्चुअल में जो हम फलित करने की कोशिश करते हैं नेटल चार्ट से, इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक दिखावे में फंस गए हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक प्रॉमिस है, वो तो सिर्फ या प्रॉमिस है या डिनायल है। लेकिन क्या वो डिनायल और प्रॉमिस जो है वो स्टैंड आउट कर रही है कि नहीं कर रही, जीवन में उस वो प्रदर्शित हो रही है कि नहीं हो रही, आपको उस चीज उस रास्ते से गुजरना है कि नहीं गुजरना, ये तो आपको नवांशा ही बताएगा। उसको देखने के लिए ये जो कोर्स हमने डिजाइन किया है, इस कोर्स में हमने न केवल इसके कैलकुलेशन को, और मैं अपने शिक्षण में चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए जाना जाता हूँ, ये पंडित जी को मालूम भी है, तो मैंने आपको इतना सिंप्लीफाइड वे में सब चीज़ों को बताना है कि आपको, इवन आप अगर रेल यात्रा कर रहे हो या एयर ट्रैवल कर रहे हो, अगर व्यक्ति ने आपको कुंडली के अगर डिग्रीज ऑफ प्लैनेट्स अगर आपको बता दिए, साइडीरियल डिग्रीज को, यानी कि लॉन्जिट्यूड ऑफ प्लैनेट्स को, आप वहीं पर उसी समय आप जो है माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे कि उसका नवांशा क्या है। क्योंकि जो फलित है वो आपका पूरा फलित अगर नवांशा पे आधारित होगा, तभी आप कहीं सच्चाई पे पहुंचेंगे, और दूसरा आप ग्रेडेड एस्ट्रोलॉजी पे पहुंचेंगे। ग्रेड्स निकालने का मतलब होता है, आज कोई बच्चा आपके पास आके ये नहीं पूछेगा कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, या उसके पिता या उसके माता आपसे सिर्फ ये नहीं पूछने जा रहे हैं कि अब मेरा बच्चा पास होगा या फेल होगा। अगर आप कहते हैं कि वो पास होगा, तो वो वहां पे प्रश्न नहीं खत्म होने वाला, उन्होंने उसके आगे पूछना है कि इसकी क्या रैंक आएगी, उसकी क्या परसेंटेज आएगी। और नवांशा को, नवांशा के बारे में दोस्तों, डॉक्टर बी बी रावन ने इस पे बहुत काम किया, काफी अच्छा काम किया, डॉक्टर के एन राव ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन इस पे सबसे ज्यादा ज्योतिषियों का दिमाग कब गया, 18 मार्च 1978 में, जिस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जिनको जियाउल हक साहब ने, जो उस समय मोहम्मद जियाउल हक जो कि मिलिट्री कू के बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अपने आप को उन्होंने अपॉइंट किया था, उसके बाद 1977 के इलेक्शन में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
बड़ा क्लियर मैंडेट लिया था और उनके प्राइम मिनिस्टर बनने की का समय आ चुका था, लेकिन उनको हटा दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला। 1974 में उनके एक पॉलिटिकल ओपोनेंट के किलिंग को लेके हुआ। आज मैं वो कुंडली आपके सामने लाऊंगा और वो सिर्फ मैं एक सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो चीज हमें डीवन चार्ट नहीं दिखाता, मतलब उनको ही वॉज हैंग्ड और एक बड़ा अनस्क्रूपलस रहा। पूरे वर्ल्ड के लीडर्स ने भुट्टो साहब के फेवर में एमनेस्टी के लिए अपील जारी की, लेकिन उसके बावजूद उनको हैंग कर दिया गया, उनको किसी तरह की क्लेमेंसी नहीं दी गई। तो आज मैं आपके सामने एग्जाम्पल के लिए वो कुंडली आपको दिखाऊंगा अभी। उसका कारण है कि आपको ये समझ में आ जाए कि डीवन चार्ट से, वो एक जमाना था 1978 में मैं ज्योतिष में घुसा ही था, उस समय मैं इंटर कर रहा था और हमारे फादर बहुत अच्छे ज्योतिषी थे और सिविल सर्वेंट थे, तो वो चूंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन वगैरह हमारे घर में आती थी, उसमें हमारे पिताश्री लिखा भी करते थे इसलिए भी आती थी, तो उस समय एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन भरी हुई थी आर्टिकल से इस बारे में कि ये निकलता क्यों नहीं है डीवन चार्ट से। तब सुंदरम साहब और दूसरे जो बड़े प्रोलिफिक राइटर्स थे, उन लोगों ने नवमांशा कुंडली को सामने रखा और उन्होंने ये दिखाया किस तरीके से आज तक ये बात आप नहीं समझते हैं कि नवमांशा कुंडली से ये भी पता चल जाता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, किन दशाओं में होगी और किस तरीके से होगी। तो मैं आपके सामने शेयर करूंगा क्योंकि अब समय काफी हो चुका है, तो हमें और जो कोर्स का जो मटेरियल है उसके बारे में फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कोर्स मटेरियल में आपको पूरा फलित करने का जो तरीका है वो इसमें, उसके पहले सबसे पहले हम कैलकुलेशन का, उसके बाद फिर उसके फलित का, और जैसे पंडित जी ने बताया है वो चीज भी हम करेंगे इसमें, जिसमें कि पहली जो बात जैसे उन्होंने चतुर्थ भाव की बात की है, क्योंकि नवमांशा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केंद्र भाव, और इसी प्रकार से पहले वो वेटिंग एजेंट भी है। वेटिंग का मतलब होता है कि वो आपको भावों की और ग्रहों की पावर्स के बारे में, एक्चुअल पावर्स के बारे में बताता है जिस तरीके से वो प्रदर्शित होने हैं, तो वो तो बृहत पाराशर होरा शास्त्र में पूरा डिफाइंड है, तो हम क्लासिकल टेक्स्ट से ही चूंकि पढ़ाते हैं तो ये सारी चीजें आपको इस इन लेक्चर्स के दौरान आपको पता चलेंगी किस तरीके से वेटिंग की जाती है और किस तरीके से उसमें भावों का और ग्रहों का बलाबल देखा जाता है, और उसके बाद वो दशाओं के साथ में, इवन जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कहते हैं महादशा को अगर आपने देखना है तो डीवन चार्ट से देखना है, अगर आपने अंतरदशा प्रत्यंतर और सूक्ष्म अंतर को अगर आपने स्टडी करना है तो आपने नवमांशा चार्ट को देखना है। और पंडित जी ने अभी फोर्थ हाउस के बारे में इतना बताया तो इमिडिएटली आपको पढ़ाने के बाद मैं अपना खुद का फोर्थ हाउस देखने जा रहा हूँ, पंडित जी ने तो डरा दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो नवमांशा चार्ट है, उस नवमांशा चार्ट के अंदर जो उसके त्रिकोण है, वो त्रिकोण की क्या महत्ता है। आप कभी कभी कुछ बातें आपको शायद ना पता हो, मैं आपको बताऊं कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए बड़ा आवश्यक है हमारे इवन ऐसे देश में जहाँ की ज्योतिष को बड़े चिरकाल से फॉलो किया जा रहा है, मतलब यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में अगर आप देखें तो उसमें एक वक्तव्य एक उसमें वाल्मीकि जी ने लिखा है कि उसमें गुरु बृहस्पति ने जो कहा कि ये रामचंद्र जी का जो राज्याभिषेक हो रहा है ये पुख्य नक्षत्र में हो रहा है जो कि ब्रह्मा जी का नक्षत्र है, तो उसी में दशरथ राजा दशरथ ये बोले कि मेरे चंद्र के नक्षत्र के ऊपर से सूर्य मंगल और राहु चूंकि गोचर कर रहे हैं तो ये मेरा बहुत अच्छा समय नहीं जा रहा है। यानी वाल्मीकि रामायण में जो चीज लिखी गई है तो आप समझिए कि ज्योतिष हमारे हिंदुस्तान में कितने समय से फॉलो किया जा रहा है और सूक्ष्मता के तरीके से, नक्षत्र के तरीके से देखा जा रहा है, और नवमांशा उस चीज की एक इम्पोर्टेंस है क्योंकि आप देखिए नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, उसके चार चरण है, 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है, 27 नक्षत्र हैं, इसका मतलब टोटल कुंडली के अंदर में 108 चरण हैं नक्षत्रों के 3 डिग्री 20 मिनट के, और अगर नवमांशा को अगर आप देखें तो
तो नवमांश जो है नवम अंश है 30 डिग्री की एक राशि का, यानी कहने का मतलब प्रत्येक अंश जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट का है। इसका मतलब है कि ये नक्षत्र के चरण के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, एक तो ये बात। दूसरा जो है इसके जो नवमांश है उसके प्रथम पंचम और नवम भाव, चूंकि मैंने आपको बताया प्रारब्ध कर्मास का भी आवश्यक है, प्रारब्ध का मतलब होता है जो आपने भोगना है, तो इसका मैं जैसे आपसे बता रहा था कि ये बहुत जरूरी है। इतने चिरकाल से इस ज्योतिष को इस हिंदुस्तान में फॉलो किया जाता है वैदिक हिंदू एस्ट्रोलॉजी को, लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि बर्थ टाइम कौन सा वाला लेना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर्स एंड नर्सेस इस बात से वाकिफ नहीं है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो प्लेसेंटा या जो नाड़ी है बच्चे की, जब वो काटी जाती है उसके बाद बच्चे को श्वास लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि पहले चाहे वो आयुर्वेद था या चाहे हमारा मेडिकल साइंस था या वैद्यकी थी, ये सभी कुछ नाड़ी या श्वास पे आधारित था। यानी कि वैद्य भी नाड़ी देखते थे, यानी कि श्वास चल रही है कि नहीं चल रही इस बात को देखते थे, तो वो उस पर आधारित था। तो वही बात हमारे ऋषियों ने भी कही है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप अस्पताल से जो बर्थ टाइम लेते हैं किसी बच्चे का, तो चूंकि डॉक्टर्स एंड नर्सेज इस बात से वाकिफ नहीं है कि कौन सा समय कैप्चर करना चाहिए, तो एक टेंटेटिव टाइम वो आपको देते हैं। लेकिन याद रखिएगा नवमांश एक मिरर है आपके जीवन में, क्योंकि पंचम प्रथम पंचम और नवम भाव वो आपके हिडन एबिलिटीज विच इज एन एक्यूमुलेटेड कर्मास ऑफ द लास्ट मेनी लाइफ, उनका द्योतक है। यानी पिछले कई जीवन में जो आपने कमाया है टैलेंट्स के रूप में, यानी जो चीजें आपको पिछले कई जिंदगियों से आपके द्वारा संचित है और आपने उसको क्षय नहीं किया है, यानी वो प्रारब्ध का पार्ट है अभी भी, उसको आपने भोगना है, अच्छा भोगना है। तो इसका मतलब है कि वो पंचम प्रथम पंचम और नवम भाव में जो बैठी हुई राशियां हैं या उनमें बैठे हुए जो ग्रह हैं वो आपको बताएंगे कि आपके वो इंक्लिनेशन लाइफ के हैं कि नहीं है। यानी कहने का मतलब है आपका नवमांश देख के आप प्रथम पंचम और नवम से संगीत नहीं निकाल पा रहे, लेकिन आप बिना म्यूजिक के काम तक नहीं कर पाते, आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है, आप गाड़ी में बैठते हैं तो म्यूजिक सुन रहे होते हैं, और फिर म्यूजिक में भी आप जैज में नहीं जा रहे, आपको बीटल्स में नहीं जा रहे हैं, अगर आप लाइट क्लासिकल में जा रहे हैं या क्लासिकल म्यूजिक में जा रहे हैं तो वो भी आपकी एबिलिटीज हैं, और वो सारी की सारी जितनी भी आपकी हिडन टैलेंट्स और एबिलिटीज हैं वो आपका नवमांश के प्रथम पंचम और नवम से निकलेगा। तो अब जरूरत पड़ जाएगी आपको कि नवमांश करेक्शन होना चाहिए। तो इन क्लासेस के अंदर किस तरीके से बट टाइम रेक्टिफिकेशन किया जाता है नवमांश के द्वारा, किस तरह से आपकी कुंडली को सेकंड्स तक क्लियर किया जाता है कि आपका आपकी जो नाड़ी है जब काटी गई है उस समय उसका जो एक्चुअल समय है वो समय इतना है, इतने बज के इतने मिनट और इतना सेकंड है। क्यों हम केपी की तरह नहीं कर रहे हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति की तरह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो फेल हो जा रहे हैं कई। हम तो इस तरीके से कर रहे हैं कि जिससे न केवल कोर बिहेवियर आपके परिवार के सभी जो आपसे जुड़े लोग हैं उनका निकले, यानी आपके पिता का हिडन बिहेवियर भी निकल गया है और परसेप्टिबल बिहेवियर भी निकल गया है। परसेप्टिबल का मतलब है जिसे समाज देखता है और जिसे आपने देखा है ग्रांटेड सिचुएशंस में, जो उनका बिहेवियर था आपकी माता का, उनका काम, तो प्रोफेशन ऑफ द फादर, प्रोफेशन ऑफ द ग्रैंडफादर, प्रोफेशन ऑफ नाना जी यानी मैटरनल ग्रैंडफादर, इस तरह की बहुत सी घटनाएं और आपकी जो रुचियां हैं और आपके जो टैलेंट्स हैं, अगर वो नवमांश के त्रिकोण नहीं बता रहे हैं तो कहीं तो गड़बड़ है, एक तो ये बात है। अब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड कोर्स, मैं हमेशा से जो भी पढ़ाता हूँ बड़े स्ट्रक्चर्ड सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड रूप में पढ़ाता हूँ, यानी कि सब्जेक्ट को मैं डिवेलप करता हूँ, इवॉल्व करता हूँ, यानी उस सब्जेक्ट की सबसे पहले मैं उसके जो है कॉलम्स लगाता हूँ, उसके बाद ही दीवार खड़ी करता हूँ, उसके बाद लिंटर डालता हूँ, तो वो पूरा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। उस सिस्टमेटिक प्रोसेस से गुजर जाने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप दूसरे मनोज कुमार भंडारी ही निकलेंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं प्रिडिक्शन जो है मैं जो किसी को देता हूँ तो मैं रिकॉर्डेड प्रिडिक्शन देता हूँ और वो डेट वाइज देता हूँ, उसमें मैं डेट्स लिखता हूँ कि इस डेट में ये घटना होगी,
तो वो कहां से निकलती है। और मैं बहुत ज्यादा जंप नहीं करता, बहुत ज्यादा डिविजनल चार्ट्स में नहीं जाता, क्योंकि मेरे हिसाब से चाहे वो होरासार सार हो, चाहे वो जातक पारिजात हो, सारावली हो, या फलदीपिका हो, वृहत पाराशर होरा शास्त्र हो, सभी ने स्ट्रेस इसी बात को दिया है कि नवमांशा नवमांशा नवमांशा, मतलब वो नवमांशा ही सब कुछ आपको बता देगा। और अगर आप लॉन्गर वे में जाना चाहते हैं, नवमांशा एक बहुत ही शॉर्टकट वे है उस उन चीजों को समझने का। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग वे में जाना चाहते हैं, आप नक्षत्र के रूप में जाइए, नक्षत्र के चरणों के रूप में जाइए और चरणों के बारे में सब समझने की कोशिश करें। जब आप समझेंगे उन चरणों के बारे में तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके ग्रह उन्हीं राशियों के नवमांशों पर बैठे हैं जो कि पूरी तरह से सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कितना देवी सब्जेक्ट है और हमारे ऋषि कितने दिव्य दृष्टा थे, उन्होंने कितनी सर्च लाइट्स बना दी फ्यूचर को समझने की, जानने की और रेमेडीज की। माफी चाहता हूँ, मेरे इंग्लिश के वर्ड्स निकल आते हैं, कोशिश करूंगा हिंदी में ही आप लोगों को पढ़ाऊं। तो मैं आपसे कह रहा था, चूंकि अब टाइम होने लगा है तो मैं आपके सामने एक हॉरोस्कोप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 18 मार्च 1978 में जब गिरफ्तार, माफी चाहूंगा मैं बीच में टोक रहा हूँ सर, इससे बेटर है कि हम कुंडली डिस्कस करें, इससे मच बेटर है कि हम लोगों के क्वेश्चन ले लें 5-7 मिनट के लिए। पंडित जी जो कह रहे हैं वो उचित है, क्योंकि कुंडली डिस्कशन में ना लंबा समय खींचेगा। राइट राइट जी हाँ जी, ऐसा है कि जैसे क्लासेस आगे चलेंगी तो वैसे हम कुछ उस तरह के जो इवेंट्स हम लेंगे क्लास में, वो सब हम क्लासेस में लेंगे, इस तरह के जो भी ऐसी कोई घटनाएं हुई है जिन्होंने की पूरे एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड को हिला के रख दिया और सभी ज्योतिषियों को सोचने पे मजबूर कर दिया। जैसे जिस समय पीवी नरसिम्हा राव साहब का जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं और आकस्मिक रूप से बने, तो उस समय भी काफी नवमांशा उभर के आया था। और इसी प्रकार से तो वो इन सब चीजों को हम क्लास के अंदर और हम काफी जो है डिटेल में हम लोग उन चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे और उन नियमों के साथ में उनको समझेंगे और इतना सुगम रूप से होगा ताकि आप अपनी कुंडलियों में भी इनको इस्तेमाल कर सकें। तो पहला हाथ खड़ा हुआ है अनुजा नबी मिश्रा। हम लोग सर जैसे कि हमारा क्लास का नियम है, हम केवल उसी व्यक्ति के प्रश्न का आंसर देंगे जो कैमरे पर ऑन होगा और हैंड रेज करेगा, उन्हीं के सवालों का जवाब दिया जाएगा। और सवालों में कृपया अपनी कुंडली को ना डिस्कस करें, केवल जो आपके माइंड में नवमांशा को लेकर के जो दिमाग में है वो उससे संबंधित आप बात पूछ सकते हैं या इसके विजन के बारे में पूछ सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं नवमांशा चार्ट्स में, वो सब आप लोग बात कर सकते हैं। हमारे पास समय है, आप बताइए आप में से। आप पहले तो ये बताइए कि आपका पहला नाम प्रोनाउंस कैसे होता है सर? वो प्रणाम पहले आवाज कट रही है। हाँ आवाज कट रही है आपकी। आप सुनने में आ रहा है सर? सुन पा रहे हैं सर? सुन पा रहे हैं सर? सुन पा रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सर प्रणाम। हाँ मेरा नाम अनुज मिश्रा है सर, अनुज मिस अजनबी मिश्रा। अनुज अजनबी मिश्रा। हाँ और मैं झारखंड से हूँ। अच्छा बताइए। और सर मेरा प्रश्न ये है कि मैं पूरी तरह से फ्रेशर हूँ और पहले जो सर थे वो बोल रहे थे कि ये सभी मेरे ही संस्था के स्टूडेंट रह चुके हैं तो उनको बहुत अधिक से ज्ञान है और मैं पूर्ण रूप से इस विषय में फ्रेशर हूँ, क्या मैं इसको सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा? मिश्रा जी जहाँ तक मैं समझता हूँ फिर आपको सबसे पहले बेसिक कोर्स से स्टार्ट करना चाहिए और हमारा बेसिक कोर्स शुरू होने वाला है 12 तारीख से, 12 फरवरी से, आप उसे ज्वाइन कीजिए पहले, क्योंकि नवमांश को फिर समझना आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। जब तक आप 12 राशियां 12 ग्रह और उसके आपस में सूत्र नहीं समझ पाएंगे तो आप फिर नवमांश आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। तो 12 तारीख से 12 फरवरी से हमारा कोर्स आरंभ होगा, ठीक है? तो मैं दो तीन क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ ताकि अगर मुझे कुछ सहूलियत हो जाए तो
देखिए मिश्रा जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब हम खाना खाते हैं तो केवल एक चम्मच के स्वाद से पता लगा देते हैं खाना कैसे बना, है ना, वो पूरी प्लेट खाने की जरूरत नहीं होती है, बाकी आपकी इच्छा। एक क्लास में ही समझ में आ जाता है कि क्या है। और मेरा अक्सर इसके विषय में थ्योरी दूसरी है, मैं कहता हूं कि स्टूडेंट कभी भी गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु शिष्य को ढूंढता है, क्योंकि शिष्य में वो सामर्थ्य नहीं कि गुरु के सामर्थ्य का वो पता लगा सके। इसलिए बाकी आपकी इच्छा है, आजकल मॉडर्न युग है तो आप ज्वाइन करके देख सकते हैं, आपकी इच्छा है ना। और दो या तीन दिन वाले मामले को नहीं, मैं सर दो तीन क्लास ज्वाइन करूंगा। चलो कोई बात नहीं, चलिए आप और कौन बोलना चाह रहा है? मिस्टर प्रदीप दलाल, आपने प्रदीप दलेला जी हैं, ये हमारे बड़े प्रिय स्टूडेंट हैं, म्यूट करके बोलिए सर। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी बहुत कोर्स कर लिए हैं, तो इसमें मुझे केपी जो ऐसा लगा जो साइंटिफिक है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आई कैन कैलकुलेट द थिंग बेटर, बाकी सब में क्या है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत है जी। तो इसमें 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 भी नवांशा में भी ऐसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि स्टेट वाइज। प्रदीप जी ये बिल्कुल सीधा सरल है, एक मिनट भी ज्यादा सरल है। नील जी, चूंकि मैंने केपी पढ़ा हुआ है तो मैं इनको जरा सा बताना चाहूंगा। देखिए ऐसा है, एक मिनट मैं आपसे लूंगा सुनील जी, ये प्रदीप डल्ला साहब को मैं बताना चाहूंगा। देखिए ऐसा है प्रदीप साहब, जो कृष्णमूर्ति पद्धति है उसकी जो एक्यूरेसी है ना, वो टाइम पे आधारित है। अगर आप होरारी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रश्न की बात नहीं कर रहे हैं, प्रश्न में तो चूंकि आप टाइम उस समय कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन जहां तक बर्थ टाइम डेटा की बात है, मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी कमी है कि वहां पे बर्थ टाइम डेटा में टाइम ऑफ बर्थ इनकरेक्ट होता है। केपी सिस्टम के पढ़ने के दौरान मैंने और हमारे गुरुजी ने भी, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, जिसमें कुछ इवेंट्स तो डेटा के साथ में मैच कर रहे थे, लेकिन अब वो जैसे उन्होंने कहा जी कुछ बातों का झुटला नहीं सकते, जैसे कहने का मतलब है उन्होंने कहा जी पहली आपकी बेटी का तो इसमें फिक्स हो जाता है 3 मार्च 1992, लेकिन आपकी जो दूसरी बच्ची है वो 26 जनवरी 1997, वो इसमें नहीं आती। मैंने कहा वो इसमें नहीं आती, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब एक सिंपल सी बात है कि अगर डेटा मेरा करेक्ट है तो मेरी दो बेटियां हैं, दोनों की टाइमिंग्स जो है उसमें आनी चाहिए। फिर वो उन्होंने दूसरा टाइम जो है लगाया, और दूसरे टाइम में उन्होंने कहा जी अब आपकी ये सेकंड बेटी आ रही है, लेकिन वो फर्स्ट वाली नहीं आ रही। तो कहने का मतलब है ना, ज्योतिष में सबसे बड़ी खूबसूरत बात जो है वैदिक हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन उसके बावजूद नवमांशा के अंदर वो चीज़ें काफ़ी कम हैं। और चूंकि ये वेटिंग का चार्ट है, और क्योंकि इसके कुछ ऐसे नियम हैं जो कि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हैं, तो इस वजह से आंसर्स निकालना बहुत आसान है। और इसके द्वारा किए गए जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन थे नवमांशा के द्वारा, वो अभी तक, आज मुझे प्रैक्टाइजिंग एस्ट्रोलॉजर हुए 2003 से, एक बड़ा अरसा हो चुका है, आज तक मैंने जिन जिन के बर्थ टाइम रेक्टिफाई किए हैं वो कहीं भी चैलेंज नहीं हो पाए। चैलेंज क्यों होंगे? क्योंकि हमारा लिटमस टेस्ट क्या है प्रदीप साहब? लिटमस टेस्ट हमारा ये है कि अगर मैं एक आदमी से कहूं कि आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं इतनी तारीख को, या इस मंथ में और इस ईयर में आपकी, आप एक नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, और वो गाड़ी वो लेते हैं, और प्लस एंड माइनस जो है वो उसमें डिफरेंस 15 डेज का आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? बट टाइम का जो टाइम रेक्टिफिकेशन है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका जो लिटमस टेस्ट है वो फलित है। यानी मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे कहूँ साहब आप जॉब छोड़ के आप एक दूसरे जॉब को ज्वाइन करने जा रहे हैं, और आप कहें जी एवरीथिंग इज हॉन्की डोरी, मतलब माई जॉब इज गोइंग वेरी वेरी वेल, मुझे तो आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ चेंज कमिंग टू मी, और लेकिन उसके बाद कुछ अचानक चीजें हो जाएं, आपका चेन ऑफ कमांड के साथ में डिफरेंसेस हो जाएं, अपना जॉब चेंज कर लें, तो फलित तो हमारा लिटमस है, टेस्ट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि केपी सिस्टम में एक्यूरेसी टाइम ऑफ बर्थ पे आधारित है, वही उसकी धुरी है, और वहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उनके रेक्टिफिकेशन के जो तरीके हैं वो उसमें भी काफी परेशानियां आती है।
एक का परमिट मिलता है, दूसरा नहीं मिलता। अब आपके मिस्टर समीर आइए। अच्छा मैडम आप बोलिए, क्या क्या शुभ नाम है मैडम आपका? प्रभा शर्मा। प्रभा शर्मा, नमस्कार सर। मैं सीखना चाहती हूँ ज्योतिष, क्योंकि मेरे नाना जी भी ज्योतिषी थे और मेरा बचपन से ही बड़ा झुकाव है, बट मेरा क्वेश्चन भी शायद उसी तरीके से। मैडम मैं आपको बता दूं, ये आपके जीन्स में है ज्योतिष, और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ये जीन्स एंड क्रोमोसोम्स जो हैं वो ज्योतिष में ये एक आपके प्रारब्ध को डिटरमाइन करते हैं। आप बहुत अच्छा सीख सकती हैं अगर आपके नाना जी ज्योतिषी थे। बोलिए जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बट मेरे क्वेश्चन यही है कि मैं भी अभी फ्रेशर्स ही हूँ, बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि मेरे को चांस मिले मैं सीखूं। कभी मैंने सोचा था विद्या मंदिर से रेगुलर ज्वाइन करूं, वो नहीं हो पाया, और मैं वर्किंग भी हूं तो उस वजह से थोड़ी सी बंदिशें रही। तो आपका एड देखा, समहाउ मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड थी कि लेट मी ट्राई। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या मैं सीख पाऊंगी अभी आपके कोर्स में, ज्वाइन कर पाऊंगी? क्योंकि मेरा बेसिक नॉलेज बस इतना ही है कि हाँ 12 हाउसेस हैं, बेसिक जो जन्म प्रक्रिया होती है, हर हाउस का जो ओनर है वो कौन है, थोड़ा बहुत बहुत बेसिक सी नॉलेज है, बहुत ज्यादा नहीं। कुछ तो रिफ्रेशिंग होगा, यानी कि आपके जो डीवन चार्ट से, चूंकि मैंने आपको बताया ना वेडिंग चार्ट है ये, वेडिंग का मतलब होता है कि भावों का की स्ट्रेंथ और प्लैनेट की स्ट्रेंथ को नवमांश के अंदर चूंकि डिटरमाइन किया जाता है, तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें तो आपकी रिफ्रेशर में उसकी रिफ्रेशिंग के लिए होंगी जो कि आपकी बेसिक कोर्स से निकलेंगी। लेकिन आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ, क्योंकि आपको घर में समय देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को भी बेसिक रूप से पढ़ने के लिए। और दूसरा, जो सुनील जी ने अभी एक झारखंड से जो सज्जन आए थे मिस्टर अजनबी मिश्रा जी, उनको जो सलाह दी थी वो सलाह बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि किसी भी विद्या को स्ट्रक्चर रूप में पढ़ने के लिए उसके बेसिक कोर्स को अगर आप स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक वे में अगर आप पढ़ते हैं तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आप एक बात सोचिए कि आप गाड़ी चलाना वैसे तो सीख सकती हैं खुद भी, लेकिन लोग क्यों मॉडर्न ड्राइविंग स्कूल और दूसरे स्कूल में जाते हैं? क्योंकि उससे क्या होता है, उनकी एक तो फास्ट ट्रैक पे वो सीखते हैं, दूसरा उनकी गलतियों की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए मुझे चूंकि यहाँ पे अगर 40 लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो मुझे उनको पेशअप करते हुए 2 माह के अंदर मुझे उनको इस लेवल पे लेके आना है कि वो ग्रेडेड एस्ट्रोलॉजी कर पाए। मैंने आपको बताया ना कि ग्रेडेड एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हम जेनेरिक एस्ट्रोलॉजी करेंगे, यानी कि हम कोई स्थूल ज्योतिष नहीं करने जा रहे। हमारा जो गोल पोस्ट है वो सूक्ष्म ज्योतिष का है, और अगर हमें सूक्ष्म ज्योतिष करना है तो हमने उस पेस पे क्लास को लेके जाना है, उसके सारे के सारे उन नियमों से उनको वाकिफ कराना है, और साथ में प्रैक्टिस करानी है हॉरोस्कोप्स के ऊपर। तो मेरे हिसाब से सुनील जी का जो सेशन है उसको भी आप लीजिए। प्रभा जी 12 तारीख से कोर्स शुरू हो रहा है, शाम को सायंकाल ही होगा 7:30 बजे, और हमारे बहुत ही होनहार टीचर हैं प्रताप शील जी, वो आपको पढ़ाएंगे। तो बेसिक कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए 12 तारीख। वो कितने दिन का होता है? नमस्कार, वो नमस्कार प्रभा जी आपको मैं सारा डिटेल दे दूंगा, है ना, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है मिस्टर समीर श्रीवास्तव, तो आपका कोर्स फिर मतलब रेपिटेशन में रहता है, जैसे अभी हम अगर बेसिक करेंगे तो उसके बाद हम फिर आपका कोर्स? ये सब रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, हमारे यहाँ मोर देन 20 कोर्सेज चलते रहते हैं जी। आप बोलिए। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। मिस्टर समीर अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करें अपने आप को। समीर साहब पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी गुरु जी नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? हाँ रमेश जी पूछना चाह रहे हैं, रमेश जी बताइए। मैं सर नमस्कार ही बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि जैसे राशि कुंडली होती है, होरा कुंडली होती है, द्रेष्कोण कुंडली और चतुर्दांश कुंडली भी होती है, तो क्या वो भी मतलब नवमांश उतनी ही इम्पोर्टेंट है या फिर वो कम इम्पोर्टेंट है, नवमांश ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे इनको? रमेश ऐसा है कि आप किसी भी वर्ग कुंडली की इम्पोर्टेंस को हम कम नहीं कर सकते, पर हाँ फलित करने के लिए नवमांश सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं रमेश जी, इसमें क्या है, बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अंदर जो षडवर्ग
षडवर्ग जो कुंडलियां है ना, षडवर्ग का मतलब होता है छह वर्गा कुंडलियां, उसमें छह वर्ग कुंडली में विंशोपाक जो बल है वो 6 पॉइंट दिया गया है नेटल चार्ट को और 5 पॉइंट दिया गया है नवमांश को, और ये बृहत पाराचर होरा शास्त्र में ऋजीव पाराचर ने दिया है। और जो सोडस वर्ग है यानी कि 16 वर्ग कुंडलियां हैं उसमें जो नेटल चार्ट को जो विंशोपाक बल है वो 3.5 है और नवमांश कुंडली को 3 पॉइंट है। अब आप स्वयं जो है इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 16 वर्ग कुंडलियों में अगर नवमांश कुंडली को अगर 3 पॉइंट्स का विंशोपाक बल है तो आप समझ लीजिए उसकी इंपॉर्टेंस ऋषि पाराशर ने कितनी बृहत्ता के साथ ली है। या अगर षडवर्ग कुंडलियां उसमें षडवर्ग में अगर उसको 6 और 5 है और नवमांशा को 5 है और नेटल को 6 है तो आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा इसको महत्वपूर्ण माना गया है 16 के 16 वर्ग कुंडलियों में। यहां तक कि आपको सुन के आश्चर्य होगा कि नवमांश पति को बाकी वर्गास की कुंडली में भी देखा जाता है। और आपको एक बात और बता दूं कि इवन कारकांशा लगन, स्वांशा लगन, इस तरह के जो भी लगन है उनमें भी जो है आत्मकारक जो कि हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है आपकी कुंडली के अंदर, उस प्लैनेट की कौन सी राशि देखी जाती है? किसी और वर्ग कुंडली की नहीं देखी जाती, नवमांश में देखी जाती। जो आपका हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है वो आपका आत्मकारक है और उस आत्मकारक की जो नवमांश की स्थिति है उसी को अगर लग्नवत करके और नेटल चार्ट की अगर पोस्टिंग कर दी जाए तो उसे कारकांशा कुंडली कहते हैं, और उसमें अगर नवमांश कुंडली की पोस्टिंग कर दी जाए लेकिन उस राशि को नहीं परिवर्तित किया है ऋषि पाराशर ने उस राशि को वही रखा है, इसका मतलब है कि 16 वर्ग कुंडलियों में सबसे ज्यादा जो पावरफुल माना है वो नवमांश कुंडली को माना। तो गुरुजी मतलब जैसे बाद में बाकी कुंडली की इम्पोर्टेंस भी काफी है, इग्नोरेंस तो उनको भी हम नहीं कर सकते, तो क्या बाद में हम 1 by 1 वो उनको भी सीखना पड़ेगा हमें जैसे टू गेट इनटू द डीप टू द एस्ट्रोलॉजी? मैं आपको एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा गोल पोस्ट क्या है? आप हमेशा ना कोई भी चीज करने के लिए आप जैसे कहने का मतलब आपने इंजीनियरिंग के एग्जाम की आपका बच्चा तैयारी कर रहा है वो इंजीनियरिंग से संबंधित जो उसका करिकुलम है ना वो पढ़ेगा और उसमें वो निकाल लेगा, या अगर वो एमबीए की तैयारी कर रहा है वो कैट की तैयारी करेगा और कैट में निकाल लेगा तो एमबीए में आईआईएम्स वगैरह में उसको एडमिशन हो जाएगा। अब वो बीच में कहे जी मैं अखबार भी पढ़ता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी की भी नॉलेज लेता हूँ, इंडियन पॉलिटी की भी नॉलेज लेता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन की भी लेता हूँ, लेने को तो इसमें तो कोई मना ही नहीं, ये तो कोई बुरा तो है नहीं, और नॉलेज तो हमेशा व्यक्ति के साथ चलती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हमारा गोल पोस्ट है एक ग्रेडेड प्रेडिक्शंस करने का। आपको जितने ज्यादा पैरामीटर्स आप देखते हैं उन्हें बाद में कोरोबोरेटिव चार्ट के रूप में देखा जाता है, यानी कोरोबोरेटिव का मतलब है वो इसी चीज को कंफर्म करेंगे, जैसे कोर्ट के अंदर जो केसेस होते हैं ना तो विटनेस के अकाउंट को कोरोबोरेशन के लिए एविडेंसेस वगैरह आते हैं, उन्हें चाहे वो फॉरेंसिक के हों दूसरे हों उन्हें कोरोबोरेटिव बोला जाता है, यानी कि वो उस चीज की व्याख्या को आपको सिद्ध कर रहे। तो हम नवमांश से जब आप इतने अच्छे प्रेडिक्शन करने लगेंगे उसके बाद तो फिर पढ़ने की तो इंतहा नहीं है, मतलब पूरा समुद्र है ये, तो फिर पढ़ते रहिए। और फिर अगर सुनील जी ने चाहा तो मैं बाकी डिविजनल चार्ट्स पे भी कोर्स चलाऊंगा लेकिन एक एप्रोप्रिएट टाइम पे। इसका मेरा जो नेक्स्ट कोर्स है जो सुनील जी के साथ मेरा डिस्कस हुआ है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, दशा के बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज है, दशा की इंटरप्रिटेशन कैसे इवेंट्स को निकालते हैं, कैसे इवेंट्स को टाइमिंग करते हैं, तो दशा का कोर्स मैं चलाऊंगा। क्योंकि मेरा 28 मुझे पढ़ाते हुए 1998 से एक बड़ा अरसा हो गया है, 30 साल से ऊपर तो मेरा ज्योतिष में लोगों की कुंडलियां देखने का हो गया है, 15,000 से ऊपर मैं कुंडलियां देख चुका हूँ, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज रूप में देखता हूँ, एक डेटा बैंक है मेरे पास जिसके अंदर कैटलॉगिंग है, यानी कि कैंसर के पेशेंट अलग हैं, आईपीएस ऑफिसर्स के अलग हैं, आईएएस ऑफिसर्स के अलग हैं, यानी कहने का मतलब एक रिसर्च वर्क की तरह से चीजों को देखता हूं, तो इसका मतलब है कि वो सब कोर्सेज होंगे लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सुनील जी ने और मैंने जब इस समय बात की हमने कहा सबसे कमजोर कड़ी क्या है, सबसे कमजोर कड़ी ये है
कि आज इतना ज्योतिष पढ़ने के बाद भी, इतने कोर्सेस करने के बाद भी, आप बताइए रमेश जी, क्या आपने कभी किसी की कुंडली देख के कोई एक्यूरेट प्रेडिक्शन किया है? टाइमलाइन एक्यूरेट नहीं हो पाता सर, बिल्कुल नहीं हो पाता। तो फिर आप इसको ना, इसमें हमको हॉप नहीं करना, हमें एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में छलांग नहीं लगानी, हमने सिस्टमेटिकली जाना है। और आपके पास ऐसा टूल लेके मैं आया हूँ जो टूल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। हाँ जी सुमित जी बोलिए। सर इस मॉड्यूल के अंदर बर्थ टाइम करेक्शन भी सिखाया जाएगा या? हाँ, इसमें बर्थ टाइम करेक्शन जो है लोगों की हॉरोस्कोप्स पे, आप लोगों की हॉरोस्कोप पे तो आपको खुद करना होगा। उसका एक मेथोडोलॉजी आपके सामने मेथड की बात डिस्कस करूंगा, यानी कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराया जाएगा, और उस कॉन्सेप्ट पे अगर आप अपनी कुंडलियों में लगाएंगे तो आप उसमें डेफिनेट सफल होंगे। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू। मैं सभी से सर मेरा क्वेश्चन है, समीर आप कहना चाह रहे हैं? समीर आपकी आवाज, मेरा एक क्वेश्चन है, आपकी साफ आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आपके क्वेश्चंस को लेंगे हम। सर मैं आप सभी से इजाजत हम लोग चाहेंगे, और अभी समय काफी हो गया है, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने ये डेमो सेशंस अटेंड किया, और जो भी लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं इस कोर्स को, वो हमें इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, और हम अलग ग्रुप एक बनाया हुआ है हम लोगों ने इसका नवमांश कुंडली का, वो हम आपको उसमें ज्वाइन करा देंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर का भी, जो उन्होंने अपने समय को निकाल करके नवमांश कुंडली जैसे पढ़ाने का अपने आप में फैसला किया है, और इसके लिए हम बार बार वे साधुवाद के अधिकारी हैं, और स्टूडेंट्स का भी मैं धन्यवाद दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा एक समीर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। समीर श्रीवास्तव साहब, आप अपने आप समीर श्रीवास्तव, पहले आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, ये अनम्यूट ही है, आपको दिखाई दे रहा है सर, बोलिए। आवाज आ रही है पर कट रही है आवाज। बोलिए समीर साहब, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था कि डी नाइन्थ चार्ट का चौथा अगर वृश्चिक राशि हो, उसमें मंगल बैठा हो, तब भी क्या दिक्कत? मैंने इसलिए रोका था क्योंकि आवाज कट रही है सर, तो कोई बात नहीं, ये हमारे बेसिक क्लास के स्टूडेंट हैं, मैं इनको जवाब दूंगा। थैंक यू सर, सर अभी आप क्लास धन्यवाद सर, दोनों माननीयों को प्रणाम। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद, प्रणाम सर, प्रणाम सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर जी, थैंक यू सर, सर प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। मिलके बहुत खुशी हुई, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़ चढ़। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि, हाँ बोलिए सर, मेरा क्वेश्चन था डी नाइन चार्ट का चौथा अगर वृश्चिक राशि हो और उसमें मंगल बैठा उस राशि का, तब भी क्या दिक्कतें रहती हैं? देखिए समीर साहब, ऐसा है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो सुख किन भावों, क्योंकि प्लैनेट्स का ना अपना कारकत्व होता है, मंगल कैसा प्लैनेट है, मंगल है, मंगल इलेक्ट्रिफाइंग प्लैनेट है, इलेक्ट्रिफाइंग, मंगल किन चीजों के लिए जाना जाता है, मंगल एक सेनापति है, यानी मंगल जो है योद्धा है, मंगल जो है वो लड़ाकू है, आर्गुमेंटेटिव है। आप एक बात देखिए ना, कोई भी प्लैनेट अगर अपने ही उस भाव पे बैठ जाएगा तो आप सोचिए कि वो क्या देगा। आप एक बात आप देखिए, आपको मैं हिना दे दूं, यानी परफ्यूम में मैं आपको जैस्मिन दे दूं, आप उसे अपने ऊपर स्प्रे करेंगे तो क्या आएगा? जैस्मिन की खुशबू आएगी। हिना दूंगा तो आपने अगर हिना लगाया तो हिना की खुशबू आएगी। मंगल जैसा प्लैनेट अगर किसी के सुख के भाव में, वो कौन सा भाव है? वो भाव ऐसा है जब आप सोते हैं तो आपके होम का भाव है, घर का भाव है। घर में सुख शांति कब होती है? जब आप प्यार से बात करते हैं। आप योद्धा होकर अगर बात करेंगे और ईगोसेंट्रिसिटी का जिसका वो प्लैनेट है, स्वग्रही होके क्या उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी? प्रकृति चेंज होगी। तो आप हमेशा समझिए ऐसा हो गया कि आपके पास में ना, जैसे
कभी कभी मैं हम लोगों को किसानों से फार्मर से भी सीखने का मौका मिलता है, तो उन्होंने कहा, मैं एक बार गया तो उसने कहा ये काली मिट्टी है और ये कपास के लिए बहुत अच्छी है, कपास बोने के लिए, यानी कि रुई की फसल के लिए बहुत अच्छी है। क्या आप समझिए कि कोई और बीज उसमें उतना अच्छा फलित होगा? इसी से बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब है आपका मोजैक का फर्श है और आप उसमें बीज डाल दीजिए, क्या वो उग जाएंगे? मिट्टी में डालेंगे तो उगेंगे। वही कंपैटिबिलिटी का फिनोमेना यहाँ होता है। कुछ भाव ऐसे हैं जो कि कोमलता के हैं, जहां पे कोमल ग्रह अच्छे फल देते हैं। ये आपके नीत का, ये आपके घर का है, सकून शक्ति का है, जहां जाके आप अपने बिस्तर पे जाके रेजुविनेट होते हैं, सोते हैं। बहरहाल एक प्रश्न अगर आप शिक्षक से पूछेंगे ना, तो ये भी एक परेशानी है कि शिक्षक बड़ा लंबा आंसर देता है। चलिए आप सब लोग बताइए, आप में से किसी और ने कुछ पूछना हो, मैं तो एवर रेडी हूँ। आप में से किसी की और ने कुछ पूछना हो, अदरवाइज हम इसको, आप लोगों को प्रणाम करते हुए हम इसे खत्म करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। आज के लिए इतना ही काफी है। सर क्या आपका नंबर मिल सकता है? ग्रुप में नंबर है, ग्रुप में है, रुचि जी ग्रुप में नंबर है। सर मैंने नहीं मांगा। अच्छा, प्रभा प्रभा ने मांगा है। प्रभा जी आपको मिल जाएगा। नंबर मेरे को मिल जाएगा प्लीज? श्योर श्योर श्योर। मनोज जी का? हाँ हाँ।